तो हम बताना चाहते हैं कि सुखपाल राणा मिनिस्ट्री ने गुरदासपुर जिले में एक और पास्टर साहबानों के साथ बड़ी मीटिंग की। ये मीटिंग खुदा के आत्मा द्वारा खुदा के दास कर रहे हैं। इस मीटिंग को करने के कुछ खास मकसद हैं, ताकि आने वाले समय में खुदा का काम बढ़े। मीटिंग में प्रार्थना के बाद ब्रदर थॉमस कॉली जी ने भजन के द्वारा परमेश्वर की आराधना की और उस वर्शिप दौरान सब लोग आत्मा में आनंद से भर गए। हमने देखा कि इस मीटिंग में बहुत सारे पास्टर साहबान पहुंचे और उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए, शहरों के लिए, देश के लिए मन से प्रार्थनाएं की, ताकि और शांति फैले और सब देश शांति और प्रेम से रह पाए। बहुत से पास्टर साहबानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, इस मीटिंग में अपना सहयोग दिया। समाज मोर्चा के चेयरमैन जसपाल मसीह और उनकी सहयोगी टीम ने भी अपना बड़ा सहयोग दिया। इस मीटिंग दौरान चेयरमैन जसपाल मसीह जी ने भी अपने विचार प्रकट किए। मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल सुखपाल राणा जी सानू संबोधन करनगे, आइए जोरदार तारीफ करेंगे सी। मैं वेलकम करदा मेरे स्पिरिचुअल फादर। ओके, तुहानू सारिआं नूं बहुत ही प्यार भरी जय मसीह दी, प्रेज द लॉर्ड। ते मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आदर दे योग हो, मैं तुहानू सारिआं नूं बहुत ज्यादा वेलकम करदा खुदा दी हजूरी विच। आमीन। सब बैठ जावांगे असीं अपनी जगह ते। इसीलिए यीशु ने हमें चुना और हमारे लिए ये लिखा कि उसने कहा जाओ जाकर फल लेकर आओ। तो ये जो वचन है, इस पर कौन सा मनन हमारे जीवन में होना चाहिए, कौन सा बिलीव इन वचनों पर हमारे लिए होना चाहिए, ये एक सेवक की काबिलियत होती है। ये एक सेवक के अंदर परमेश्वर के वचन की अखंडता होती है। जब वो इस अखंडता को समझ लेता है
तो फिर खुदावंद का जो पावर है, उसकी जो सामर्थ्य हम में होकर काम करती है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, अच्छा मैं इतने सालों में प्रभु में हूँ, अच्छा मेरे पास इतने लोग हैं, अच्छा मैं बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, अच्छा ऐसा क्यों नहीं हो रहा। बहुत सारे सेवक ऐसा सोचते हैं, क्योंकि कौन सेवक चाहता है, ऐसा नहीं चाहता कि मेरे साथ बहुत बड़ा ना हो, कोई भी ऐसा नहीं, मतलब हर एक तो ऐसा चाहता है ना, ऐसा कोई नहीं चाहता कि मैं नॉर्मली सेवा करूं। बोलो, हम आत्मा की बात करते हैं, हाँ आत्मा से होगा, पवित्र आत्मा की बात करते हैं, लेकिन इस विषय को अच्छे से जानना समझना, यही हमारी जीत है और यही दुनिया में हम बेदारी ला सकते हैं। जब एक सेवक छोटी छोटी बातों में नेगेटिव होता है, छोटी छोटी बातों में अपने आप को कोसता है, तो तब वो शरीर में है। तो जब वो शरीर में है तो वो खुदा के कामों को बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा। हाँ ठीक कर पाएगा, ठीक रूहों को जीत पाएगा, लेकिन पावरफुली खुदा की सामर्थ को वैसे नहीं प्रकट कर पाएगा जैसे करना चाहिए। ये मेरा सीक्रेट है, यही मैंने पूरा किया। इसको मैंने बहुत बारीकी से इतना ध्यान देकर किया और मैंने अपने कलीसियाओं में इतना इसका प्रचार किया, और मैंने सबसे ज्यादा प्रचार किया होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का। सबसे ज्यादा लोगों का फोकस इस बात में बनाया, आमेन। और हम सेवकों को भी सपोर्ट देंगे जबरदस्त आने वाले दिनों में। तो ये जो उसका इतना कीमती काम है हमारे लिए, ये दुनिया को पता चलनी है और हमें खुद भी पता होना चाहिए ये कितना कीमती काम है। तो ये भी मेरे दर्शन में, इसके लिए भी हम बड़ा वर्क करेंगे आने वाले दिनों में, ऐसी मीटिंग्स हायर करेंगे और जिसमें सेवक लोग ये बात को और दिल से परमेश्वर की बात को लेंगे और जबरदस्त तरीके से सेवा करेंगे, उनकी सेवकाइयां भी बढ़ेंगी यीशु मसीह के नाम से, आमेन। और ऐसे ये जो पेंटिकॉस्टल मिशन, पेंटिकॉस्टल सेवा है हमारी, मैं चाहता हूं कि इसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म बने। क्या है, जैसे उत्तराखंड है, जम्मू है, हिमाचल है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, अलग अलग स्टेट्स की आपके पास वीडियोस आती है कि कैसे कलीसियाओं पर सताव हो रहा है, ये हो रहा है, परसिक्यूशन हो रहा है। तो ऐसी बातों में हम एक इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे और जिसमें लोगों की हेल्प होगी, लोगों के साथ हम खड़े होंगे, और ये एक इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म होगा, इसमें इतनी जबरदस्त टीमें होंगी कि दुनिया उसे देखेगी, क्योंकि ये खुदा के लोग होंगे, आमेन। ये आम लोग नहीं होंगे, खुदा पर पूरे दिल से विश्वास करने वाले लोग होंगे और परमेश्वर उनके साथ खड़ा होगा। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर कैसे अपने युद्ध को, अपने कामों को करता था, तो आज तो परमेश्वर और अच्छे तरीके से करेगा। इस काम में भी हम बहुत पावरफुली इस विषय को आगे लेकर आएंगे। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में, इस मीटिंग में। यही खास कारण था हमारे इकट्ठे होने का, और एक और कारण है आपको मिलने का, वो है हमारी 17 दिसंबर को जो चर्च की ओपनिंग है, उसके लिए मैं आपको इनविटेशन देने आया, आमेन। और मैं चाहता था कि मैं खुद मिलूं, नाले उनसे बातें करूं, अपना दर्शन शेयर करूं, और खुदा का जो प्लान है मेरे जीवन के अंदर, क्योंकि प्लान किसका है। तो मतलब जैसे बाइबल तो ये कहती है हमारा एक मन होना, अगर हम पूरी दुनिया में हैं तो पूरी दुनिया के जो लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उनका क्या होना चाहिए, सबका एक मन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये मेरा वचन है या परमेश्वर का, कौन चाहता है ऐसा, बोलो। अगर ये चीज सेवकों के अंदर आएगी तो ये बेदारी कलीसिया के अंदर भी आ जाएगी पक्का। तो अभी मैं चाहता हूँ कि प्रे हो चुकी है, इससे पहले कि हम खाना खाएं सब मिलकर, मैं इनविटेशन देना चाहता हूँ आपको अपने हाथों से।
ओके ले आओ आ जाओ. बहुत सारे खुदा के दासों ने, पास्टर साहबानों ने देखा कि बहुत बड़ी ग्रेस खुदा के दास अपोस्टल सुखपाल राणा जी पर है और उनकी बड़ी इच्छा थी कि यदि वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करेंगे तो हमारे द्वारा भी परमेश्वर का बहुत काम बढ़ेगा. और बहुत सारे पास्टर साहबानों ने विश्वास में भरकर खुदा के दास से प्रार्थनाएं करवाई ताकि उनके कलीसियाएं बढ़े, जो सेवा वो करते हैं उस सेवकाई में वो बढ़ जाएं. बहुत बड़ी ग्रेस को उन्होंने अपने लिए रिसीव किया जो खुदा के दास पर काम करती है. बहुत से पास्टर साहबानों पर इस ग्रेस ने भी काम किया. पावरफुल मीटिंग्स खुदा के दास अपोस्टल सुखपाल राणा जी पूरे इंडिया में करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितने भी सेवक सेवकाई करते हैं वो सभी एक मन हो जाएं और जो परमेश्वर के लोग हैं वो एकता में रहें, क्योंकि यूनिटी इज अ पावरफुल वेपन. उनकी बड़ी डिजायर है कि खुदा ने उन्हें जो दर्शन दिया है सभी सेवकों को एकता के रास्ते पर लाया जाए ताकि परमेश्वर का राज्य बहुत तेजी से बढ़े, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए कि सब एक मन रहें, एक समान रहें. ये उनका दर्शन है और ये निश्चय पूरा होगा. तो आप किसी भी स्टेट से पास्टर हो, यहाँ जुड़ना चाहते हो, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें. कहीं पर भी क्रूज़ करवाना चाहते हो तो आप हमें बताना ताकि परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा आपके एरिया में बहुत बढ़े. आमीन.